नमस्कार दोस्त, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली जीके पॉइंट में। और आज 3 अक्टूबर 2018, आज के जितने भी करंट जीके के फैक्ट हैं उनको मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलते हैं हम सीधा क्वेश्चनों पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली असेंबली का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अब यहाँ क्वेश्चन हमें एक टर्म आई है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है हमारे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने। अब आपको पता होना चाहिए, हमारे 45वें नंबर के न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे, जिनका कार्यकाल कल ही रिसेंटली पूरा हो गया है, और हमारे नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं रंजन गोगोई। आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और बता दूँ, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, टोटल मेंबर 31 होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच जे कानिया। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरआरबी की एग्जाम पॉइंट व्यू से, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिए, हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच जे कानिया। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया है? तो ये नामित किया गया है मनु भाकर को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि युवा ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो इसका आयोजन होगा अर्जेंटीना में। यहाँ बात आई है ध्वजवाहक की, तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेलों में ध्वजवाहक कौन थे? हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेलों में ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम में, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिए, एशियाई खेलों में हमारे ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में बरम शाली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये चुने गए हैं इराक के राष्ट्रपति। अब यहाँ बात आई है इराक की, तो आपको इराक के बारे में भी पता होना चाहिए। इराक की कैपिटल है बगदाद, इराक की करेंसी है इराकी दिनार, और इराक के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए बरम शाली। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम से निकासी की सीमा घटाई है? तो ये घटाई है अभी एसबीआई ने। अब आपको मैं बता दूं, एसबीआई ने केवल जो क्लासिक डेबिट कार्ड है उनकी सीमा घटाकर अब 40,000 से 20,000 कर दी है, लेकिन जो एसबीआई का नॉर्मल डेबिट कार्ड है उसकी सीमा एसबीआई ने नहीं घटाई है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ बात आई है एसबीआई की, तो आपको एसबीआई के बारे में भी पता होना चाहिए। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष है रजनीश कुमार। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में यूनिफ चैम्पियन ऑफ द अर्थ से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिसका आंसर होगा एमैनुअल मैक्रॉन और नरेंद्र मोदी, दोनों को इसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में उद्यम अभिलाषा अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो शुभारंभ किया है वो किया है सिडबी ने। अब आपको पता होना चाहिए सिडबी के बारे में, सिडबी क्या है, तो आपको मैं बता दूँ सिडबी के बारे में। आपको सिडबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इतना आपको सिडबी की फुल फॉर्म तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अब सिडबी का हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में, और सिडबी के सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मुश्ताब है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी
मिल जाती है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। करंट जीके का पूरा पार्ट मैं आपका कवर कराऊंगा, आप मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। और मैं जितने भी फैक्ट आपको ये मैं रिवाइज कराता हूँ रोज़, आप इनको मेरे साथ बोला करिए। और आपके लिए मैं जितने भी करंट के क्वेश्चन लेकर आता हूँ उनको आप एक कॉपी में लिखा करिए, जिससे आपको रिवाइज कराने में सुविधा हो। आप कभी भी एग्ज़ाम से पहले उनको रिवाइज कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आप उनको एक कॉपी में ज़रूर लिखा करिए। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में स्वच्छता विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है? तो स्वच्छता विश्वविद्यालय घोषित किया गया है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जो कि ये हरियाणा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में यूपीआई भुगतान में 33% से अधिक हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है पेटीएम। अब दोस्तों यहाँ बात आई है पेटीएम की, तो आपको पेटीएम के बारे में भी पता होना चाहिए कि पेटीएम की स्थापना कब हुई थी। तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना किसने की। पेटीएम की स्थापना की विजय शेखर शर्मा ने। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा में, और पेटीएम के वर्तमान सीईओ है रेणु सती। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है माइकल जेदी नाक और इगोर एकिन फिव ने। माइकल जेदी नाक ऑस्ट्रेलिया से फुटबॉल खेलते हैं, और एफी फिर ये खेलते हैं फ्रांस से। तो दोनों ने इसकी घोषणा कर दी है, अब इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा अभी की है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2018 किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रांसिस एच अर्नाल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ, सर ग्रेगरी पी विंटर। इन तीनों ने ये केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीता है। इनको दिसंबर में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के लिए सुरक्षित पेयजल सेवा के लिए भारत के साथ $240 मिलियन का ऋण का समझौता किया है? अब दोस्तों ये किया है पश्चिम बंगाल के साथ। अब दोस्तों क्वेश्चन में दो इम्पोर्टेंट टर्म आइए यहाँ पे, एक है एडीबी और एक है पश्चिम बंगाल। तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं पहले बात करता हूँ एडीबी के बारे में। एडीबी क्या है? तो आपको पहले एडीबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या होती है, तो एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी की स्थापना कब हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। एडीबी की स्थापना हुई 1966 में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला में, और मनीला बोलता है फिलीपींस में। तो आपको ये पता होना चाहिए। और आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी आपको पता होना चाहिए कि एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष है तोको इको नाको। आप नाम एक दो बार बोलिए, ये नाम आपको याद होना चाहिए। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष है तोको इको नाको। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडीबी के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 67 है। तो इतना तो आपको एडीबी के बारे में पता होना चाहिए। अब बात आई यहाँ पे पश्चिम बंगाल की, तो मैं आपके साथ पश्चिम बंगाल के बारे में बात करूँगा। आपको पश्चिम बंगाल के बारे में भी पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोलकाता किस नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान सीएम है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के वर्तमान गवर्नर है केसरी नाथ त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों ये थे आज के हमारे 12 इंपॉर्टेंट करंट जीके क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।